हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केसीआई। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या भाई? डीप वाटर, है ना। राइटर हैं इसके, जो ऑथर हैं वो हैं विलियम ओ डोगलास। ठीक है ना, ये क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है क्या? डीप वाटर। वंस अगेन वेलकम टू केसीआई। देखें तो भाई, है ना, इस चैप्टर में मेनली आप पढ़ेंगे कि जो ये ऑथर हैं, इन्होंने अपने सबसे बड़े डर से, अपने जिंदगी के भय से किस प्रकार से ओवरकम किया, कैसे अपने डर को जीता, है ना। माउंटेन ड्यू पी के, डर के आगे जीत है ना। इन्होंने ड्यू यू कुछ नहीं पिया, बिना ड्यू के कैसे जीता जाता है डर को, वो अपन आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो व्यक्ति ने जिसने मेहनत की है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लें, समझ लें, है ना। यानी कि आपके राइटर, या फिर कह लें क्या, ऑथर। तो भाई, जिसमें जो आपके ऑथर हैं वो कौन हैं? विलियम ओ डोगलास। ठीक है, अभी ओ का फुल फॉर्म क्या है? तो ना तो भाई साहब, ये ऑथर हमारे फूफा हैं, ना चाचा हैं, इसलिए हमको पता है नहीं, और आपके भी नहीं है, इसीलिए आपको जानने की भी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, विलियम डगलस 1898 to 1980, ये इनकी जर्नी रही, मतलब लगभग 82 साल जिए, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड कॉमन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या किया था भाई? बीए किया था, बैचलर इन आर्ट्स। ठीक है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, कोई जरूरी नहीं, करने दो अपन को, क्या करना है ना। ही स्पेंट 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा, है ना, यकीमा नाम की जो जगह है, वहां पे इन्होंने 2 साल हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाया भी है, और मास्टर भी थे। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, पढ़ाते पढ़ाते थक गए, एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर। उसके बाद ये जुडिशियरी में चले गए। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। डोगलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, है ना। हाई स्कूल में पढ़ाते रहे हाई स्कूल के बच्चों को, उसके बाद क्या हुआ, ये 2 साल में पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए, थक गए, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपना लीगल कैरियर परस्यू किया जाए, है ना। जुडिशियरी में चले गए, जो ये कोर्ट कचहरी वाले मामले होते ना, इसमें प्रैक्टिस करने लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, प्रेसिडेंट का लीडिंग एडवोकेट वहां पे बने, और एडवाइजर, हाँ एडवाइजर बन गए किसके, प्रेसिडेंट के। डोगलास वास अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, है ना, एडवोकेट वकील रहे ये। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब जो आपके जन अधिकार होते हैं ना, जन अधिकार, या फिर कह लें कि मानव अधिकार, यही होता है ना, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स के लीडिंग एडवोकेट रहे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर, इन्होंने 36 साल तक ये काम किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में उस कोर्ट रूम में सबसे ज्यादा था इनका कार्यकाल। द फॉलोइंग दैट वॉज द रिमेन्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डोगलास, है ना। इन्होंने ये किताब जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस नाम से, उससे ये कहानी, ये अंश लिया गया है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से एक स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा डर हो जाता है पानी का अपनी लाइफ में, जिंदगी में, तो उस डर से इन्होंने कैसे ओवरकम किया, उस डर पे कैसे जीत प्राप्त की, विजय प्राप्त की, उसके बारे में ही ये स्टोरी है, और अपन आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब
आपको फुल फॉर्म इसका बता दे, नहीं तो लगेगा कि मास्टर को भी पता है नहीं। ठीक है ना, कहाँ गया भाई? विलियम ओ डोगलास। इस ओ का ही फुल फॉर्म था ना। विलियम और विले डोगलास, ये इनका पूरा नाम। ठीक है, ये था इनका पूरा नाम, मिटा दें इसको। अब अपने चैप्टर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो चैप्टर में आगे आएंगे, वहीं पे आपको बता दिए जाएंगे, इन पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो भाई शुरू करें। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। जो ऑथर है वो कहता है ये घटना ये जब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय किया कि मुझे तैराकी सीखना है, मुझे तैरना आना चाहिए। देर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो मैंने सोचा था कि मुझे तैराकी आनी चाहिए, सीखना है, वहां पे YMCA याकिमा में एक पूल था, स्विमिंग पूल था, जो ठीक ऐसा ही अवसर देता था बच्चों को तैराकी सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेकरस। ठीक है, क्या कह रहा भाई? याकिमा में एक रिवर थी, है ना, वो कैसी थी? बहुत डेंजरस थी या फिर खतरनाक थी। आगे आपका ये वर्ड है ना, डेंजरस या फिर खतरनाक। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। जो उसकी माता जी थी ऑथर की, वो इस नदी के बारे में ऑथर को बताती रहती थी कि ये नदी कितनी खतरनाक है, और जो भी वहां घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती थी, जो भी लोग उस नदी में डूब जाते थे, उसकी यादें ऑथर के उस बच्चे के, है ना, जब वो छोटा बच्चा था ऑथर के दिमाग में वो यादें ताजा करती रहती थी, ताकि ये बच्चा वहां नदी की तरफ कभी ना जाए। ठीक है, तो ये उसकी माता जी करती थी। व्हाट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन ये जो पूल था वो पूर्णता पूरी तरह से सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। ठीक है, एक तरफ वो सिर्फ 2 या 3 फिट की गहराई थी, दूसरी तरफ उसमें वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, दूसरी तरफ उसमें लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, है ना, धीरे धीरे करके वो उसकी गहराई आगे की तरफ जाते वक्त बढ़ती जाती थी, और कितनी हो जाती थी? 9 फीट, यानी कि 2 या 3 फीट एक तरफ से गहराई उसकी शुरू होती थी, धीरे धीरे उसकी ढलान बढ़ती जाती थी, गहराई बढ़ती जाती थी, दूसरी तरफ वो लंबा था कितना, सॉरी गहरा था कितना, 9 फीट गहरा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। उसने क्या लिए भाई? पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होते हैं? जो पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो पैडल टाइप के होते हैं, है ना, जो डाइवर्स सी डाइवर्स होते हैं वो पहनते हैं, एक अलग टाइप की ड्रेस आपने देखी होगी, जो हाथ में और पैरों में ऐसे पैडल टाइप के होते हैं, जैसे मान लो मेंढक के पैर होते हैं ना, वैसे पैडल टाइप के, है ना। तो उसने एक पैर एक जोड़े उन चीजों का खरीद के रखा था, है ना, पैर ऑफ वाटर विंग्स, जो जल परे होते हैं ना, जल परे पहन के जाते हैं जो वो। आई हेटेड टू वॉक, क्या कहता है? आई हेटेड टू वॉक, यानी कि मुझे चलने से नफरत थी। क्यों? ये देखो, ये मैप दिया गया है, ये रिवर का दिया गया है, ठीक है, याकिमा रिवर का, इससे आपका बहुत ज्यादा कोई लेना देना है नहीं।
अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में आप इसको देख सकते हैं। देखो ये रिवर थी ना जो ये इसके याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस यकामा पीपल। ठीक है, वहां पे क्या छूटा था, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, यानी कि पूल की बात कर रहा है बच्चा। आई हेटेड, वहां पे क्या लिखा था ना, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। ऑथर क्या कह रहा है, मुझे बिना कपड़ों के पानी के अंदर जाना बहुत खराब लगता था, नफरत थी। क्यों? क्योंकि उसके पैर कैसे थे, बहुत पतले पतले, वो बहुत दुबला पतला था, इसीलिए उसको खराब लगता था। कि उसको कोई शौक नहीं था अपने दुबले पतले पैर दिखाने का लोगों को। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, है ना। वहां पे इंग्लिश वर्ड आया था सबड्यूड माई प्राइड, जो टॉप में ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन मैंने अपने अहंकार को, अपने गर्व को छुपाया और किया मैंने वो। क्या? क्योंकि उसको तैरना सीखना था, इसीलिए उसको पसंद नहीं था अपने दुबले पतले पैर दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन फिर भी उसने अपने अहंकार को, अपने प्राइड को दबाया और पानी के अंदर गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वॉटर वेन आई वॉज इन इट, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग क्या कह रहा है, शुरुआत से मुझे पानी के अंदर जाने में समस्या हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी जब मैं उसके अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। अब वो अपनी एक पुरानी कहानी रिकॉल करता है, पुरानी एक कहानी याद करता है कि उसको इस समय पानी में जाने में क्यों समस्या हो रही थी, कुछ तो कारण होता है ना। तो भाई अब वो अपनी पुरानी, जब वो 3 या 4 वर्ष का था तब की एक कहानी रिकॉल करता, याद करता है जब उसके पिताजी ने क्या किया था, उसको बीच पे ले गए थे। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया में समंदर समंदर के किनारे बीच पे ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, है ना, लहरों के बीच पे, लहरों के किनारे, समंदर के किनारे वो खड़े हुए थे दोनों। आई हंग ऑन हिम, छोटा सा बच्चा ऑथर कह रहा है, मैं 3 या 4 साल का था, मैं अपने पिताजी के ऊपर लटका हुआ था पीठ पे, है ना। Yet the waves knocked me down and swept over me। उसके बाद भी जो वेव्स आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, वेव्स ने क्या किया, मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजरने लगी हैं, चली गई। आई वॉज वरीड इन वॉटर, मैं पानी के अंदर दफन हो चुका था या दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बच्चा बता रहा है वो छोटा सा, कि जब वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ के समंदर के किनारे गया था तब जो लहरें आई उन्होंने मुझे गिरा दिया, मेरे ऊपर से चली गई, मेरी सांसें अटक गई थी या सांस चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। फादर लॉफ्ट, है ना, पिताजी क्या कर रहे थे, उसके हंस रहे थे। और बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन क्या कह रहा था, बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे दिल में उन वेव्स के खिलाफ डर भर गया था, उन वेव्स के लिए, है ना। जिस प्रकार से उन लहरों ने मुझे गिरा दिया था या दबा दिया था, उस घटना से मेरे मन में डर बैठ गया था। नेक्स्ट क्या है, माई माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स, है ना। मैं जैसे ही, ऑथर कह रहा है, मैं जैसे ही पूल में गया, YMCA पूल में, क्या हुआ कि ये सब मेमोरीज, जो खराब खराब सी यादें थी मेरी, पुनः फिर से वापस आने लगी थी या वापस आ गई थी। बट
इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने फिर से अपना आत्मविश्वास जगा लिया। मैंने फिर से क्या किया भाई, अपना आत्मविश्वास जगा लिया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और अन्य लड़कों को देखते हुए मैंने अपना आत्मविश्वास जगाया और पूल में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, जैसे कि बाकी के बच्चे उस पूल में तैर रहे थे, तैरना सीख रहे थे। मैं भी उनकी उनकी नकल करते करते या कर करके वैसे ही करने का प्रयास या कोशिश करने लगा। आई डिड दिस टू और थ्री टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। ऐसे ही कुछ ही दिन हो पाए थे, क्या कह रहा है, ऐसे ही कुछ ही दिन, दो और तीन बार ऐसे ही चीजें हो पाई थी, जैसे जैसे मुझे थोड़ी सी हल्की सी आसानी होना शुरू हुई थी कि एक दुर्घटना घटित हो गई ना, दुर्घटना घटित हो गई। देखते हैं भाई दुर्घटना क्या घट गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल गया जब वहां पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड वॉटम वॉज एस वाइट एंड क्लीन एज द बाथटब, जगह बिल्कुल शांत थी, वहां पे कोई नहीं था, पानी बिल्कुल शांत था, है ना। फर्श जो पूल का बॉटम था, उसकी तल था, फर्श था, वो बिल्कुल शांत था, ठीक जैसे कि नहाने वाला टब होता है, बाथटब की तरह कह रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक उसी तरह था। इट वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सॉरी आई वॉज टिमिड है ना, गोइंग अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। क्या कह रहा है, आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे अंदर जाने से, अकेला अंदर जाने से मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं पूल के किनारे बैठ गया, इस इंतजार में कि कोई आ जाए, तब तक उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तैरना। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय, क्या कह रहा है, मुझे वहां बैठे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक अच्छा हट्टा कट्टा एक लड़का अंदर की तरफ आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 वर्ष की आयु थी उसकी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, क्या कह रहा है, एक हट्टा कट्टा लड़का जिसके अच्छे खासा शरीर था, एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट लड़का होने का एक उदाहरण था, है ना, जिसने बेल बिल्ट था, अच्छी खासी मसल्स थी, है ना, वो अंदर की तरफ आता हुआ उसको दिखाई दिया। एंड ही येल्ड हाय स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, अंदर आया और उसने उस बच्चे को और चिल्लाते हुए कहा, ओए पतलू तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, है ना, मतलब कहना अजीब तरह का लड़का होगा उसको, बेचारे बच्चे को जो थोड़ा पतला पुतला था, उसको कह रहा है कि अरे पतलू तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, मतलब तुम अगर इसमें डूब जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा ना बेवकूफ, उसको डूब जाओगे तो कैसा लगेगा। तो उसने ऐसा उस बच्चे को कहा, क्या कहा, कि हे स्किनी आई वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर तुम इसमें डूब जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें इसमें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतना कहने के साथ ही उस लड़के ने ऑथर को उठाया और पूल में जिस तरफ गहरा था उस तरफ उठा के फेंक दिया। अब देखो गधी ने उस तरफ भी नहीं फेंका जहां पे कम गहरा था, है ना, कम गहरा था तो कम से कम उस सुरक्षित रहता, उसने वो दूसरी तरफ फेंक दिया जहां पे वो फीट कितना लंबा था, दूसरी तरफ भाई 9 फीट, 9 फीट लंबा था ना दूसरी तरफ, हाँ उसी तरफ उसने उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन शैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द वाटर, क्या कह रहा है भाई, वो जैसे बच्चा बैठा हुआ था उसी सिटिंग पोजिशन में ही वो उस पानी में गिरा, गिरते ही वो सीधे कहाँ पहुंचा, बॉटम में, है ना, नीचे की तरफ उस पूल में अंदर की तरफ गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई
विट्स, बच्चा जो ऑथर है वो कह रहा है मैं डर तो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे, मेरी अकल काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, वेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। अब जो ऑथर है वो भी बेचारा थोड़ा बहुत तो दिमाग उसका भी चलता था, क्या कह रहा, मेरी बुद्धि काम करना बंद की लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं कि मैं कुछ सोच ही ना पाऊं, इसीलिए जब मैं नीचे जा रहा था, देखो ऑथर ने अपना दिमाग चलाया, बेचारा पानी में गया तो सही, गिर तो गया, उसको फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपना दिमाग चलाया। क्या कहता है, व्हेन आई वॉज गोइंग डाउन, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तब मैंने प्लान बनाया अपने दिमाग में ही, उसने है ना प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा मैं जोर से एक तल में बॉटम में अपने पैर मारूंगा जिसकी वजह से मैं ऊपर आ जाऊंगा, है ना। ऑथर ने दिमाग लाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा उस सतह पे नीचे वाले तल पे मैं अपने पैर जोर से पटकूंगा मारूंगा जिसकी वजह से मैं ऊपर की तरफ पानी में आ जाऊंगा, और जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा फिर मैं पानी पे ऐसे लेट जाऊंगा, लेटने के बाद मैं अपने हाथ फड़फड़ाऊंगा और पैर फड़फड़ाऊंगा और किनारे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो हम सोचते हैं जिंदगी में बहुत कम बार वैसा हो पाता है, ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो वही वैसा ही कुछ इस ऑथर के साथ भी होना था और हुआ भी वैसा ही। अब क्या हुआ आगे देखते हैं अपन। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोस 9 फीट वेयर मोर लाइकली 90, एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट। क्या कह रहा है ऑथर, कह रहा है इट वॉज अ लॉन्ग, इट सीम लॉन्ग बाई वे, वो 9 फीट का रास्ता मतलब मुझे बहुत लंबा लगा, ऐसे लगा मानो मानो कि 90 फीट गहरा हो। जैसे ही मैं नीचे पहुंच पाता उसके पहले ही मेरे फेफड़े मानो कि फटने वाले हों, बस्ट करने वाले हों। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग टू अपवर्ड्स, है ना। तो क्या कह रहा है, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो ठीक जैसा मैंने प्लान किया था, ठीक जैसा मैंने सोचा था, मैंने अपना पूरा जोर लगा के पूरी दम एकत्रित करके ठीक वैसे ही करने का मैंने प्रयास किया और पैर जमीन में मारे ताकि मैं ऊपर की तरफ जाऊं। आई इमेजिन आई वुड बॉब लाइक टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या कल्पना की थी, मैंने क्या इमेजिन किया था कि मैं ऊपर की तरफ ठीक एक कॉर्क की तरह ऊपर की तरफ टॉस कर जाऊंगा, है ना। कि जैसे नीचे अपन मान लो एक बॉल है फुटबॉल, उसको आप पानी के अंदर नीचे दबाएंगे पानी में, उसको छोड़ेंगे ना तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उछल के आएगी, बायोन्सी इफेक्ट होता है, आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो बायोन्सी इफेक्ट एक होता है, उसके तरीके से कह रहा है कि मैंने जो इमेजिन किया था क्या, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, है ना, कॉर्क के जैसे ही मैं यहां से ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ अचानक से या तेजी से आ जाऊंगा, है ना। लेकिन वैसा हुआ नहीं, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, है ना। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, क्या कह रहा है, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट वाटर, यानी कि मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली मुझे पानी के सिवा, पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वॉटर वॉटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, है ना, वॉटर जो कि हल्का सा पीलेपन, पीला कलर का हो रखा था, है ना, पीला पीला पानी हो रखा था, मुझे वो ही दिखाई दिया। आई ग्रीव पैनिक, पैनिकी है ना, मुझे और डर लगा। आई रीच्ड अप एस इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर की तरफ आने का प्रयास किया और मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ने
पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ क्लच किए, हाथ दबाए रस्सी को पकड़ने के लिए, मेरे हाथ सिर्फ पानी लगा, पानी ही पानी लगा, रस्सी तो वहां थी नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरे दम टूट रही थी, सांस टूट रही थी मेरी, है ना, सफोकेट कर रहा था, दम घुट रहा था उसका। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, पत्र कह रहा है मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया चिल्लाने का, लेकिन कोई भी आवाज नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, मेरी आंखें और मेरी नाक पानी से बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह अंदर ही था। आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर शैलोड एंड चोक्ड, है ना, आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर शैलोड एंड चोक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, है ना, क्या कह रहा है कि वो सरफेस की तरफ आ रहा था, मेरा गला चोक कर रहा था, है ना, और उसके मुंह जैसे ही खोला उसने तो मुंह में क्या भाई, पानी चला गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, उसने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एस डेड वेट्स, है ना, जब वो ऊपर आया तो उसने क्या कोशिश किया, उस पे सरफेस पे जैसा उसने प्लान आउट किया था वैसे कोशिश किया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं ना, उसने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एस डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, है ना, लेकिन उसके पैर जो थे सुन्न हुए पड़े थे, है ना, ऊपर नहीं आए, जड़त्व हो गए थे बिल्कुल, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा फोर्स या बल उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, कौन सा बल खींच रहा होगा भाई, ग्रेविटी, है ना, जो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करता है वेट के कारण, किसके कारण, वेट के कारण, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैंने चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज सुनी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, है ना, मैंने फिर से पुनः एक बार वही लंबी यात्रा शुरू कर दी जो पूल के, स्विमिंग पूल के तले की तरफ जा रही थी, बॉटम की तरफ जाती थी। I struck at the water as I went down, expending my strength at S1 in a nightmare fights and irresistible force, क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा था, मेरा जितना भी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, ताकत थी, खर्च हो जा रही थी पूरी उस तरीके के फोर्स से लड़ने में, जैसे कि मानो हम सपने में एक अजय शक्ति से लड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह से मेरी ऊर्जा यहाँ पे बर्बाद जा रही थी, कि जैसे मान लो हम लोग सपने में नहीं किसी एक ऐसी शक्ति से लड़ रही होती हैं जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर पाए, है ना, जिससे हम जीत ना सकते हो, ठीक उसी तरह की चीजें यहाँ पे हो रही थी, कि मैं प्रयास तो कर रहा था, ऑथर कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, क्या कह रहा है, मैंने पूरी तरह से अपनी सांसें खो दी थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, है ना, क्या कह रहा है, तो मैंने पूरी तरह से अपनी सांसें क्या कर दी थी भाई, खो दी थी। माई लंग्स एक्ट माई हेड थ्रॉप, है ना, उसके जो लंग्स थे, फेफड़े थे, और उसका खोपड़ी धक धक करने लगी थी, उसके फेफड़े क्या होने लगे थे भाई, फटने वाले थे, दर्द करने लगे थे। I was getting dizzy, मैं यानी कि उसको क्या होने लगा था भाई, ऑथर को चक्कर आने लगे थे। What I remembered the strategy, लेकिन उसको अपनी प्लान याद था, अपनी स्ट्रेटजी याद थी जो उसने बनाई हुई थी, है ना, अपना षड्यंत्र जो उसने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी ना, वो उसको पूरा याद था, क्या कि नीचे की तरफ जाएगा, फिर जमीन में पैर मारेगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर सीधा लेट जाएगा, अपने हाथ और पैर फड़फड़ाए और किनारे की तरफ पहुंच जाएगा।
ठीक है भाई, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम आउट लाइक ए कॉर्क एट द सरफेस, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड प्रेस विथ माई लेग्स, ठीक है ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, ठीक इसी तरह से वो क्या सोचा उसने, सुरक्षित हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जाएगा, पैर मारेगा, ऊपर आ जाएगा, सीधे लेट जाएगा, हाथ पैर फड़फड़ाएगा और किनारे पे पहुंच जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा, ये उसकी स्ट्रेटजी थी, याद था उसको। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, क्या कह रहा है, मैं नीचे की तरफ और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ एंडलेसली चला गया, यानी कि मैं नीचे की तरफ ही चला जा रहा था। हाँ मुझे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे सिर्फ वो पीले कलर का, येलोइश कलर का जो वाटर था, पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था और उसके थ्रू मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, यहां से वहां मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद बहुत खतरनाक डर ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया, खौफ ने अपने कब्जे में ले लिया, टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। अब उस डर को बयान कर रहा है, जो डर उसको उस समय उसके दिमाग में जो खौफ चढ़ गया था उसको बयान कर रहा था कि ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता, ऐसा डर जिसको जो किसी ने फील नहीं किया हो, ऐसा डर जिस पे कोई जीत नहीं सकता हो, सिर्फ वही व्यक्ति उस डर को समझ सकता है जिसने स्वयं ही खुद वो डर फील किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर, क्या कह रहा है, मैं पानी के अंदर डरा हुआ, सहमा हुआ, सुनसान हो गया था, है ना, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीखें मेरे गले में भी जम गई थी, है ना, मेरी चीखें ही नहीं निकल रही थी, मेरे गले में ही जम गई थी, इतना डर गया था वो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरे दिल की और दिमाग की धड़कने ही इस बात की गवाह थी कि मैं अभी तक जीवित हूँ। आप कंडीशन इमेजिन करिए, आप उस 11 साल के बच्चे की दुर्दशा को की कल्पना कीजिए कि वो बच्चा कितना डर गया होगा, जिसको तैरना आता नहीं, जो नया नया ही तैरने गया हो और उसको पानी में उठा के फेंक दिया जाए, तो वही डर अपना ऑथर जो है वो बयान कर रहा है कि किस तरीके से वो डर मेरे ऊपर हावी हो गया था, है ना। और वो ऑथर कहता भी है कि मेरा उस डर को कोई भी समझ नहीं सकता जब तक कि जिस व्यक्ति ने खुद से वो एहसास ना किया हो उस डर को, ठीक है ना। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, है ना, इसी बीच उसको थोड़ी राहत हुई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, है ना, उसको क्या याद आ गया कि जब मैं बॉटम की तरफ जाऊंगा तो मुझे वहां से जमीन में पैर मार के क्या करना है, उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माय टोस रीच्ड आउट एस इफ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। उसके बाद क्या हुआ, ऑथर कहता है कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स होने का एहसास मुझे हुआ, मेरे पैरों ने उन टाइल्स को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मैंने पूर्णता पूरी तरह से पूरा जो साहस था उसको इकट्ठा करके वहां से ऊपर उछलने का प्रयास किया, जंप करने की कोशिश की, पूरी जान लगा के, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगा के। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस उछाल ने, उस छलांग ने कोई भी अंतर पैदा नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज
स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे आसपास था, यानी कि उसकी जंप इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसको ऊपर तक ले जा पाए। आई लुक फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, है ना, क्या कह रहा है, आई लुक फॉर रोप्स, मैं रस्सियों को तलाश रहा था, मैं सीढ़ियों को तलाश रहा था, मैं उन जलपरों को तलाश रहा था, विंग्स को तलाश रहा था, नथिंग बट वाटर, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था, पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, जो आसपास पीले रंग का पानी हो रखा था उसने ही मुझे घेर रखा था, मेरे आसपास वही पीले रंग का पानी ही पानी, पीला पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है ऑथर, के जो डर का माहौल था, खौफ था, उसने मुझे इस तरीके से जकड़ रखा था जैसे कि मान लो बहुत बड़ा बिजली का झटका लग जाता हो किसी को, उस तरीके से उसने मुझे शॉक में डाल दिया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव। ऑथर क्या कह रहा है, आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे बहुत ज्यादा घबरा गया, हिल गया मैं डर के मारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर माई मदर, नथिंग हैपेंड, मैंने मदद के लिए चिल्लाया, मैंने अपनी माँ को याद करना चाहा मदद के लिए, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं, क्योंकि वो कहाँ था भाई, पानी के अंदर था, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पानी के अंदर था, वो खूब मेहनत और ताकत लगा के चिल्ला रहा था लेकिन किसी को वो सुनाई नहीं दे रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वॉटर, एटलीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वेयर ऑलमोस्ट आउट टू। और तभी अचानक से ही मैं पानी के बाहर आने लगा, माई नोज वेयर आउट ऑफ इट, एटलीस्ट माई आईज वेयर, है ना, उसकी आंखें और उसकी नाक तो कह रहा कि कम से कम पानी से बाहर ही आ गई थी। अब ये कंडीशन है जब वो ड्रोन कर रहा था, मतलब जब नियरली कोई व्यक्ति डूब जाता है पानी के अंदर तो वो अपनी आंख ऊपर आ जाता है ना, उस कंडीशन तक वो ऑथर पहुंच गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, तब क्या कह रहा है, तीसरी बार फिर से वो नीचे जाने लगा, तीसरी बार उसको फिर से एहसास हुआ कि अब वो फिर से नीचे की तरफ डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, क्या कह रहा है, मैंने हवा के लिए सांस अंदर लेनी चाहिए, हवा अंदर लेनी चाहिए, लेकिन क्या अंदर गया, पानी। द येलोएस्ट लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीले कलर की लाइट मुझे दिखाई दे रही थी वो फिर से जाने लगी थी, मतलब क्या है कि वो फिर से ऑथर पानी के अंदर डूबने लगा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। तो उसके बाद क्या कह रहा है, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मतलब उसके बाद सभी तरह के प्रयास, सभी कोशिशें खत्म हो गई, ठीक है। आई रिलैक्स, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल लिम्प्ड, मेरे पैर भी पूरी तरह से शांत पड़ गए, सुन्न हो गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में, आंखों में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, जैसे ही अंधेरा छाया उसने मेरे डर को पूरी तरह से गायब कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, है ना, मुझे मेरे अंदर से डर को निकाल दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, मैं अब और ज्यादा नहीं डर रहा था, मतलब मेरा डर खत्म हो गया था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बहुत शांत और बहुत पीसफुल था, बहुत शांति भरा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ डर मुझे नहीं लग रहा था, डरने जैसी कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छा था।
टू बी ड्रोजी टू गो टू स्लीप नो नीडेड टू जंप, आराम से अब सो जाने का मन कर रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, शांतिमय था, नो नीड टू जंप, कोई जरूरत नहीं थी अब जंप करने की, टू टायर टू जंप, मैं जंप करते करते वो छलांग लगाते लगाते थक गया था, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत स्मूथली बहुत आसानी से मैं नीचे की तरफ जा रहा था, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स आर्म्स, यानी कि कोई बहुत नाजुक बाहों में मुझे उठा रहा था, ऐसा उस ऑथर को प्रतीत हो रहा था, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए, ऑथर नियरली लगभग स्वर्ग सिधारने वाले थे, है ना, यानी कि वो खत्म होने वाले थे, ऑथर मरने वाले थे, क्योंकि ये जब ऐसा लगने लगे तो समझ लो कि भाई स्वर्ग सिधारने वाले हो, क्योंकि जब तक जान है तब तक आदमी परेशान है, ठीक है, कहते हैं ना पहले एक कहावत होती थी कि जब तक जान है तब तक क्या है जहान है, बात तो सही भाई, जब तक जान है और तब तक जहान है और तभी तक आदमी परेशान है, ठीक है, तो ये सब कंडीशंस उसके सामने आ रही थी, उसको ऐसा फील हो रहा था, है ना, ऑथर को लग रहा था कि अब बहुत सब कुछ शांति है, अब कोई आवश्यकता नहीं है फड़फड़ाने की, क्योंकि अब तो सिस्टम अपना खत्म होने वाला है, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, क्या कह रहा है, जीवन रूपी जो पर्दा है, जीवन का जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर गया था, यानी कि क्या कह रहा है कि भाई अपन तो अपनी फाइल निपट गई थी, है ना, अपन तो खत्म होने वाले थे या खत्म हो गए थे, ऐसी फीलिंग उस ऑथर को आ चुकी थी या आ गई थी, ठीक है, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर्ड आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, इतना होने के बाद ऑथर को होश नहीं रहा, मतलब उसको बेहोशी भरी हालत में, मतलब वो बेहोश हो गया था, ठीक है, इतना होने के बाद वो कैसा हो गया था भाई, बेहोश हो गया था, है ना, क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, है ना, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, यहां से अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये लेक्चर क्योंकि एक क्लास में खत्म होने नहीं वाला है, फिर एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां तक ये अपन क्लास यहां तक रखते हैं, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, है ना, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो यहां तक इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड.